आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 25x30 है। 25x30 का आपका प्लान दिया हुआ है, गांव के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग की गई है। एलिवेशन की आप पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये 4 बेडरूम का आपका हाउस प्लान कम्प्लीट बना हुआ है, देख सकते हैं फुल वेंटिलेशन के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्लान बना हुआ है पूरा 25x30 में ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके रैंप दिए हैं, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से गेट मिल जाता है, गेट आपका 6 फिट का लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके दिख जाता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। ये जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके रूम मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो मिल जाती है, इस साइड से भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बालकनी टाइप की दी हुई है, देख सकते हैं 2.5 फिट का आपका स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एंट्री गेट भी दिया हुआ है, बालकनी में आराम से आप आ जा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा है 9x11, ये 9x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 9x11। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है, इसका मैंने साइज दिया हुआ है 9x4, ये 9x4 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड बनी हुई है। वेंटिलेशन साइड से छोटा सा रोशनदान दिया हुआ है, यहाँ पे आप एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके रूम मिल जाता है। वेंटिलेशन दोनों साइड से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं दोनों साइड से आपको विंडो दी गई है। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 9x11, ये 9x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 9x11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन पीछे से विंडो मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से किचन मिल जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 6x8, 6x8 की आपकी किचन दी है, देख सकते हैं 6x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे बड़ा सा रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं फुल वेंटिलेशन साथ में, हाउस प्लान आपका कंप्लीट है। इस रूम का मैंने साइज रखा है 9x13, 9x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 9x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद रोड साइड से आपको बड़ा सा रूम दिख जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बालकनी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। ये 2 फिट की आपकी बालकनी दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराई है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। इस रूम का मैंने साइज रखा है 9x13, 9x13 के आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 9x13। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका हॉल दिया गया है 25x30 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 BHK हाउस प्लान कंप्लीट बना हुआ है, देख सकते हैं 4 बेडरूम के साथ में आपका हाउस प्लान कंप्लीट है। कंप्लीट हटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं। कंप्लीट हटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्लान बना हुआ है 25x30 में ओनली। गांव के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग की गई है, लो बजट का प्लान है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया, पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।